जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ तुलसी पूजा, जो कि सोमवती अमावस्या के दिन कही जाती है, करी जाती है। और इस दिन तुलसी की पूजा के साथ साथ पीपल के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। पीपल के वृक्ष की पूजा का वीडियो मैंने डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, पीपल के वृक्ष की सोमवती अमावस्या पर पूजा किस तरीके से करते हैं। तो चलिए तुलसी पूजा का भी वीडियो में बता देती हूँ। तो तुलसी पूजा के लिए मैंने यहाँ पर थाली सजा ली है और कुछ फल और दक्षिणा और सुहाग का सामान रख लिया है। तो थाली में मैंने रखा है दीपक, कपूर, अगरबत्ती, धूपबत्ती, ये सारी चीज़ें रख ली हैं, फूल रखे हैं और जो बताशे होते हैं वो रखे हैं, चिरौंजी रखी है। ये मैंने चिरौंजी मैंने ली है 108, और चंदन लिया है, कच्चा दूध लिया है, जल लिया है जो हमें अर्पित करना है वहाँ पर, और चंदन है और रोली है, जनेऊ है, जनेऊ भी रखने हैं क्योंकि जनेऊ हम गणेश जी को अर्पित करेंगे, एक सुपारी से गणेश जी भी स्थापित करेंगे वहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने जो तुलसी का पौधा है वहाँ पर मैं थोड़ा सा स्वास्तिक बना रही हूँ अभी, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी कर रखी है। तो सबसे पहले मैंने नीचे वहाँ पर जहाँ पर पूजा करनी है अच्छे से पोछा लगा करके और वहाँ पर रंगोली बना ली है। रंगोली के साथ आप चाहें तो अष्टदल कमल या फिर स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके ऊपर चौकी रखी है, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाया है, उसके ऊपर तुलसी का गमला रखा हुआ है। अब मैं कुमकुम को गीला करके वहाँ पर तुलसी के गमले पर मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। ये देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व होता है तो पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो ये देखिए तुलसी पर मैंने गमले को सजा लिया है इस तरीके से। तो अगरबत्ती दिया वगैरह भी जला लिया है, अगरबत्ती भी जला लेती हूँ मैं और अगरबत्ती लगा देंगे हम इस तरीके से। और आप पूजा करना शुरू करती हूँ। तो कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप पूजा करके भी दिखाइए, मैंने ऐसे ही बोल करके वीडियो बना दिया था, तो फिर रिक्वेस्ट आने लगी कि आप वीडियो भी डालिए, तो मैंने सोचा वीडियो भी डाल देती हूँ। तो इस तरीके से हम तुलसी की पूजा करेंगे, हल्दी कुमकुम चंदन वगैरह चढ़ा देंगे, जल चढ़ाएंगे। सबसे पहले जल चढ़ा के फिर हम कच्चा दूध चढ़ाएंगे, कच्चा दूध भी चढ़ाया जाता है सोमवती अमावस्या के दिन। और सोमवती अमावस्या की पूरी कथा भी मैंने अपने वीडियो में डाल रखी है, तो वो भी ज़रूर सुनिएगा ये पूजा देखने के बाद में आप लोग, क्योंकि कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी है, पौराणिक कथा है, सुनने में बहुत ही अच्छी लगेगी आप लोगों को। और सुनने का बहुत ही विशेष महत्व होता है पूजा करने के साथ साथ, तो कथा भी सुन सकते हैं। मैंने सुपारी के गणेश जी भी स्थापित कर दिए हैं वहाँ पर, तो उनको जनेऊ पहना दूँगी मैं, और वैसे रोली भी चढ़ा दूँगी। और जनेऊ के साथ साथ में ये कलावा होता है वो भी लपेटूंगी तुलसी माता में, 8 बार ऐसे लपेट देंगे हम गोल गोल करके, 8 बार इस तरीके से लपेटना है। इस तरीके से लपेटने के बाद में 108 परिक्रमा भी लगानी है, वो मैं आप लोग को बताऊंगी किस तरीके से लगाएंगे। तो खाली परिक्रमा लगाई नहीं जाती है, इसलिए चिरौंजी, मखाने, किशमिश, इलायची, जो भी आपको लेना है ऐसी चीज़ें खाने पीने की ले लें जो बाद में आप उठा करके प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। तो यहाँ पर भोग में जो मौसम के हिसाब से फल होते हैं वो चढ़ा दें आप, तो मैंने यहाँ पर संतरा और बेर वगैरह आंवला जो भी है आप चढ़ा दें, आप प्रसाद के रूप में कुछ भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन व्रत रखते हैं तो उपवास का सामान चढ़ाएं, उपवास में जो भी खाया पिया जाता है वो चढ़ा दें, नहीं तो फल चढ़ा दें। और दक्षिणा के रूप में मेरे पास ये एक रुमाल और मैंने दक्षिणा 51 रुपये की चढ़ा दी है। सुहाग का सामान चढ़ाया है, सुहाग का सामान में आपके पास जो अवेलेबल हो वो चढ़ा सकते हैं। और ये मीठे में मेरे पास बताशे थे तो मैंने बताशे चढ़ाए हैं, मिठाई भी चढ़ा सकते हैं आप लोग, जैसे आपकी सामर्थ्य में हो वैसा आप चढ़ाएं। और इत्र भी चढ़ा दें आप, इत्र भी भगवान को अच्छा लगता है। और चलिए इसके बाद में मैं कहानी पढ़ूंगी। तो कहानी इसकी बहुत ही अच्छी है, सोमा नाम की एक धोबन थी उन पर ये आधारित कहानी है, बहुत ही अच्छी पौराणिक कहानी है, तो वो ज़रूर सुनिएगा आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी फ्रेंड्स। और ये बुक जो है मेरे पास ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें सारी कहानियाँ ग्रंथ मतलब
कहानियाँ तीज त्योहारों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। सारी अलग अलग बुक खरीदने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही में पूरे 12 मास का सब कुछ दिया गया है। 12 मास में जितने भी तीज त्यौहार आते हैं तो कहानी ऐसे खाली हाथ नहीं पड़ी जाती है। तो मैंने हाथ में एक फूल और थोड़े से चावल के दाने ले लिए हैं, अब कहानी पढ़ूंगी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं ना, वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के बाद में मैं जो है परिक्रमा लगा लूँगी, परिक्रमा 108 लगानी रहती है। अगर आप बीमार हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कोई भी कारण से आप परिक्रमा नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप 8 परिक्रमा लगा कर भी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और पूजा पाठ से रिलेटेड सारे वीडियो मैं डालती हूँ अपने चैनल पर, जो भी आपकी रिक्वेस्ट हो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ये सोमवती अमावस्या की पूजा का एक और वीडियो मैंने डाल रखा है, जिसमें मैंने पीपल के वृक्ष की पूजा करके दिखाई है। पीपल के वृक्ष की पूजा एक विशेष महत्व होता है इस दिन, और तुलसी का भी विशेष महत्व होता है, तो दोनों की पूजा मैंने करके दिखाई है। और अगर आप लोगों की और भी डिमांड हो कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड या कोई वीडियो चाहते हैं आप, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके सारे सवालों के जवाब भी दूंगी और वीडियो भी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर आगे मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसमें और क्या करना रहता है। और इसमें अगर आप दान पुण्य का बहुत महत्व होता है, अगर आप दान पुण्य करते हैं तो उसका ही विशेष फल प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन कहीं मंदिर जा रहे हैं या फिर आप कहीं स्नान करने जा रहे हैं तीर्थ स्थान पर, तो वहाँ पर जो बैठे रहते हैं मांगने वाले, तो उनको दान में कुछ ना कुछ ज़रूर दें। चाहे तो आप 5 रुपये दें, 1 रुपये दें, 2 रुपये दें, या फिर आपके सामर्थ्य के अनुसार एक दिन का भोजन का सामान दें या भोजन दे दें, आप कुछ भी दान में ज़रूर दें। आपके जितनी क्षमता है उतना दान ज़रूर करें, क्योंकि यह आप समझ नहीं सकते हैं, यह अमावस्या बहुत ही बड़ी अमावस्या होती है। इस दिन दान पुण्य का बहुत ही विशेष महत्व फल मिलता है हमें, तो दान ज़रूर करना चाहिए। इस दिन दान का बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। और इस दिन आप जहाँ भी जाएं वहाँ से आप कुछ भी खरीद कर ला सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी तीर्थ स्थान पर हों तो आप ज़रूर, ख़रीदारी का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। अब कहानी तो पढ़ ली गई है, अब इसके बाद मैं जो दाने हैं हाथ में रखती जाऊंगी थोड़े थोड़े, और इस तरीके से गमले में चढ़ाती जाऊंगी परिक्रमा करते करते। तो ये 108 परिक्रमा करनी चाहिए, आराम से कीजिएगा और बहुत ही धीरे धीरे करिएगा, बहुत ही विशेष फल प्राप्त होता है इसे पूजा करने से। और परिक्रमा करने के बाद हम कर लेंगे आरती। तो आरती में के लिए मैंने कपूर भी जला लिया है, देखिए दिया जल रहा है, अब कपूर जला लूँगी, इसके बाद मैं आरती कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तब तक के लिए मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।